अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आज मैं मलंग बाबा बना हुआ हूँ, चादर शादर लगा के और दाढ़ी शाढ़ी बड़ी हुई हैं, और मेरे साथ आसिफ हमीद भाई हैं। आसिफ हमीद भाई का तारुफ करा दो। नहीं कराएं तो अच्छा। एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे आलिम हैं, दीन का काम करते हैं, और इन्होंने कल ऑफ़र करी कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ बैठ जाऊँ ट्रक में बैठ के। तो ट्रक नहीं है ये, हम ट्रेन में हैं और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एंड ये बड़ी अच्छी सी ट्रेन है, और इसमें हम लोग जा रहे हैं और खूब गप्पे शप्पे लग रही हैं, सफ़र अच्छा गुजर रहा है, मज़ा आ रहा है, एक दूसरे से सीखने को मिल रहा है। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे भी बहुत मिला सीखने को, बहुत ज़्यादा। तो आप अपना तारुफ पहले खुद कराएं, फिर मैं खुद कराऊंगा। वैसे कराना पड़ेगा तारुफ। मेरा नाम आसिफ हमीद है और थोड़ा सा मीडिया से ताल्लुक़ है। कोशिश करते हैं कि मीडिया में जो चीज़ लोगों तक पहुँचे वो अच्छी पहुँचे, क्योंकि मीडिया का असल में या तो इस्तेमाल अच्छा है या बुरा है, तो कोशिश ये करते हैं कि अच्छा इस्तेमाल किया जाए और लोगों तक बात पहुंचाई जाए अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में और अच्छी बात। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो मीडिया जो है वो ज़्यादा मोहब्बत वतन चीज़ें नहीं दिखाता इन जनरल, थोड़ा सा उसको समझाएं, उसका क्या मतलब है? असल में मीडिया जो है, जब भी कोई मामला होता है तो मीडिया नेगेटिव एलिमेंट को ज़्यादा जो है वो आश्कार करता है, जिससे लोगों के अंदर जो है वो बददिली पैदा होती है। हालांकि चाहिए ये कि बुरी बातों को छुपाने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि बुराइयाँ उसको छुपाना चाहिए। हमारा मीडिया बुराई को आम करता है और अच्छी चीज़ों को छुपाता है। हालांकि अच्छी बातें फैला देने से कौम के अंदर उम्मीद पैदा होती है, जबकि अगर हम आजकल अपने मीडिया को देखें तो कौम के अंदर बददिली पैदा करने और तफरका पैदा करने, कौम को लड़ाने के अलावा कोई और काम मीडिया अभी नहीं कर रहा। ज़रूरत है ऐसे चैनल्स की या ऐसे मीडिया ग्रुप्स की जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा और क्या कहते हैं अखुवत और भाईचारे का सबक दें, अच्छी खबरें दें, और कोई ख़राब खबर हो तो उसको कम करें, उसको बंद करें। स्पेशली जो अखलाकी लिहाज से दीन का हुक्म यह है कि कोई बुराई देखो तो उसको छुपाओ। सतर पोशी मन सतर मुस्लिम मन सतर अल्लाह यौम अल-क़ियामा। जो शख्स किसी मोमिन का किसी का ऐब छुपाता है तो अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा क़ियामत के दिन। जबकि हमारा मीडिया जो है वो री इनएक्टमेंट करके और जो जो स्कैंडल्स हैं उनको रीप्रोड्यूस करके वो दिखा रहा होता है, जो कि हर लिहाज से कौम की जो भी इखलाकी मयार है उसको तबाह कर रहे हैं। काफ़ी थैंक यू, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बना दिया जाए मीडिया का आपके ऊपर, तो आप क्या 3 स्टेप उठाएंगे? सबसे पहले पाकिस्तान की बात, नंबर 2 क्या स्टेप्स, मतलब क्या ऑर्डर क्या करेंगे? पाकिस्तान लोगों के अंदर मुहिब वतन होने का एहसास पैदा करना, पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर करना, और ये जो आपस की तफरकाबाजी है, चाहे वो लिसानी बुनियाद पे है चाहे वो मज़हबी बुनियाद पे है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना या कम कर देना कि वो ना रहे। एक हो गया, नंबर 2। ये एक नहीं 3 बता दिए मैंने, तो मुझे तो आप आइडेंटिटी भी नहीं थे ना, आप इधर उधर देख रहे थे। मैं तो सीट के चक्कर में बचा हुआ था। तो मेरे पास जी सीट नहीं है, आज मैं सीट क्रॉस करके बैठा हूँ और दर बदर जो हूँ वो ठोकरे खा रहा हूँ आज मलंग बाबा बन के। एंड ये रेहान भाई की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे शर्फ बख्शा सफ़र का साथ। तो रात को फ़ोन पे बात हुई तो ये कराची जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी रास्ते में आधे रास्ते तक जा रहा हूँ, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि रास्ते में मेरे साथ हो गए, और आधे रास्ते में मैं इनको छोड़ जाऊँगा, ये अल्लाह ताला को खैरियत और आफियत के साथ कराची वापस पहुँचाए। अच्छा जी, तो मुझे लगता है यहाँ हंगामा आने वाला है। ठीक है जी, तो मैं ज़रा सीट को सॉल्व करके आता हूँ, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।